गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की इतनी पिटाई की गई कि वह खून से नहा गया, इसका वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस के मुताबिक घटना एक दुकान के कब्जे को लेकर हुई है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल साबिर नाम के व्यक्ति ने बीजेपी नेता रिजवान मीर पर हमला कर दिया, जिसमें उसको गंभीर चोट आई है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह तस्वीर है गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में रहने वाले रिजवान मीर की। रिजवान की प्रोफाइल देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें मिल जाएगी। रिजवान भारत विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के सदस्य खुद को बताते हैं। अब यह वायरल वीडियो देखिए, किस तरीके से रिजवान अमीर के चेहरे और सिर से खून टपक रहा है। हैरानी की बात यह है कि वही कुछ दूरी पर पुलिस भी है, उसकी कार के सायरन सुने जा सकते हैं, लेकिन पुलिस किसी भी तरीके से बीच बचाव करती हुई नहीं दिख रही है। खुद रिजवान पुलिस के पास जाते हैं और फिर अपनी पीड़ा बताते हैं। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला दुकान के कब्जे को लेकर जुड़ा हुआ है, जिसमें रिजवान मीर पर अब्दुल साबिर नाम के व्यक्ति ने हमला किया है। पुलिस के मुताबिक 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि रिजवान मीर ने शालीमार गार्डन में दुकान किराए पर ली थी, जिसके बाद दुकान के मालिक और रिजवान के बीच विवाद चल रहा था, इसी को लेकर आज यह मारपीट हुई बताई जा रही है। 26/3/2023 को शालीमार गार्डन की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक स्थान पर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। इस विवाद के संबंध में पुलिस द्वारा जब मौके पर पहुंचकर पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि रिजवान अहमद और अब्दुल साबिर के बीच दुकान के स्वामित्व और किराए को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें अब्दुल साबिर ने सुनियोजित तरीके से कई महिलाओं को एकत्रित करके रिजवान अहमद के साथ मारपीट की। इस संबंध में रिजवान अहमद से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।